क्वेश्चन नंबर है आपके 29, इसमें दे रखा है ये क्या है आपके समांतर चतुर्भुज और ये भी क्या है आपके एक समांतर, ये वाला क्या नाम है ए ई एफ डी, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और ये भी क्या दे रखा है आपके समांतर चतुर्भुज दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि ए और ये एरिया में क्या है आपके बराबर, पीई ए ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों सिद्धम क्या है आपको बराबर, हमें करना है सिद्ध करना है। कैसे करेंगे सिद्ध, देखो ध्यान दो, इसने कहा पी और डी को मिलाओ, अब इस दोनों को ऐसे मिलाना है, अब ये नहीं मिलाए तो चले गए हम तो बिना संकेत ने कहा है, फिर भी देखो ऊपर से जब धुन पड़ी तब मिला लेंगे, इधर ध्यान देना सबसे पहले, ये भुजा और ये भुजा क्या है समांतर, देखो ए बी सी डी क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हुआ ये पूरी रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर, ए बी समांतर क्या है आपके सी डी, ए बी समांतर क्या है आपके सी डी, ये पूरी भुजा और ये पूरी भुजा क्या है आपके समांतर, अगर ये समांतर है तो ये भुजा भी क्या होगी आपके समांतर, और नाम पूरा लिखो इतना समांतर में कोई फर्क नहीं पड़ता, समांतर में कभी नाम बराबर नहीं होता, बस यही होता है ये भुजाएं आपस में नहीं मिली, मतलब क्या हुआ ये भुजा और ये भुजा भी क्या है आपके समांतर, पी ए समांतर होगा आपके क्यू डी, है ये क्या हो गया आप समांतर। अब आपके इसी प्रकार ये वाली भुजा को ध्यान दो, कौन सी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है आपके समांतर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है आपके समांतर, क्या नाम है ई एफ समांतर क्या है एडी, देखो ई एफ समांतर क्या है आपके एडी, अगर ये पूरी समांतर ऐसे, अगर ये ऐसे समांतर है क्योंकि चतुर्भुज ये समांतर है, तो ये अगर समांतर है तो आपके ये दोनों भुजा होंगी आपके समांतर, चाहे नाम ये लिखो चाहे नाम ये लिखो दोनों में एक ही बात है, ये और ये क्या हो जाएगी आपके एक सेम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका नाम क्या है पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा आपके एडी, क्या हो जाएगा पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा आपके एडी, क्यों क्योंकि ई एफ समांतर क्या है एडी, और सवाल में दे रखा है ए ई एफ डी क्या है एक समांतर चतुर्भुज। अब ये भुजा भी समांतर और ये भुजा भी समांतर, इसका मतलब क्या हुआ ये कौन सा चतुर्भुज है आपके, ये वाला हो गया है आपके समांतर चतुर्भुज, कौन सा ये वाला, इसका नाम क्या है पी ए पी क्यू डी, देखिए अर्थात ए पी क्यू डी क्या है एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर, तो ये दोनों भुजाएं समांतर भी है और ये दोनों भुजाएं क्या है आपके बराबर भी है। दूसरा ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है आपके बराबर, दो चीज आपने बराबर कर दी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण मैंने बराबर कर दिया है। अब आपको तीसरा एक चीज और बराबर करनी, वो चीज कैसे बराबर करेंगे, तो एक और बराबर करना है आपको, कैसे बराबर करेंगे हम इस भुजा को और इस भुजा क्या करेंगे हम बराबर करेंगे हम इसको और इसको, कैसे करेंगे बराबर, देखो ये और ये बराबर क्यों हुई समान चतुर्भुज, ये और ये बराबर क्यों होगा संगत कोण, कहते हैं ये आप ये रेखा समांतर है ये रेखा काट रही है तो दोनों संगत कोण क्या होते हैं हमेशा बराबर, दो चीज आ गई हमारे पास। अब ये को बराबर करना है कि इसको और इसको भी क्या करना है आपको बराबर, क्योंकि कम से कम भुजा या कोण कोण भी बराबर थी, दो चीज तो हुई हमारे पास ये और ये बराबर, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो गया। अब ये चीज और बराबर करनी वो है आपके ये वाला और ये वाला, ये कैसे बराबर करेंगे, इसके लिए देखो ये भुजा और ये भुजा क्या करनी पड़ेगी, पहले बराबर करनी पड़ेगी, कैसे देखो एडी बराबर क्या है ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके बराबर, बताओ ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये कौन सा चतुर्भुज है समांतर, एडी बराबर क्या है ई एफ, क्या लिखेंगे एडी बराबर क्या है ई एफ, क्योंकि ए ई एफ डी सवाल में दे रखा है कौन सा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, क्या लिखोगे ए ई एफ डी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती है बराबर, सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर। अब इसी प्रकार देखो ये भी एक समांतर चतुर्भुज, मैंने अभी सिद्ध किया था ये रहा ए पी क्यू डी भी क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो अगर ये भी एक समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी क्या है आपके बराबर, क्या नाम है इन दोनों, ये दोनों बराबर होगी,
क्या नाम है एडी और पीक्यू, तो एडी बराबर क्या होगी आपके पीक्यू, ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है समांतर, ये रेखा इधर समांतर है और ये रेखा है इससे समांतर है, इसलिए आपके ये और ये भुजा भी क्या होगी बराबर, क्योंकि एपी क्यू डी भी क्या है समान चतुर्भुज, ए पी क्यू डी समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा क्या होती है बराबर, ये दोनों नाम सेम, ये नाम ऐसा है इधर भी बराबर है, ये नाम ऐसा है इधर भी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी आपके बराबर, ये इसके बराबर भी है ये इसके बराबर भी, तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके बराबर, ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर, अतः क्या हो जाएगा आपके ई एफ बराबर क्या होगा आपके पी क्यू, ये भुजा ये भुजा क्या बराबर। अब ये वाला भाग ऐसा है यहां से लगाकर यहां तक पी एफ, इसमें भी आ रहा है पी एफ और इसमें भी आ रहा पी एफ, देखो ये पी क्यू है इसमें ये वाला भाग आ रहा है और ये वाली भुजा में भी आपके ये वाला भाग आ रहा है, दो दो बार आ रहा है, ये वाला भाग क्या करें दोनों में से माइनस कर दें, इसका नाम क्या है पी एफ, क्या लिखोगे पी एफ, दोनों तरफ से घटाने, दोनों तरफ से घटाने पर ये हो जाएगा आपके ई एफ में से भी घटाएंगे पी एफ और पी क्यू में से भी घटाएंगे हम पी एफ। अब ये वाला भाग इधर से घट गया, देखो पहले ये नाम था ये घटा दिया, पीछे क्या बचा आपके ई पी बचा, क्या बचा आपके ई और पी बचा, अब पहले ये नाम था हमने ये वाला माइनस कर दिया, पीछे क्या बचा आपके क्यू एफ, क्या बचा आपके क्यू एफ बचा, अब इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर कुछ भी दिया मानिए क्या मान लेंगे हम एक मान लेंगे, अब लेंगे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का नाम क्या है, इसका नाम तो दे रखा है पीई ए, तो लिखेंगे त्रिभुज पीई ए और दूसरा नाम क्या बताया क्यू एफ डी, ये रहा त्रिभुज क्या हो जाएगा आपके क्यू एफ डी से, तीन चीजें बराबर बन, पहली जो हमने अभी बराबर की इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा क्या है आपके बराबर लिखा हुआ मैंने, ई पी बराबर क्या है आपके क्यू एफ दोनों बराबर है, कारण क्या है समीकरण नंबर एक से, नंबर दो ये और ये क्या है बराबर, इस त्रिभुज की ये पी ए भुजा और इस त्रिभुज की क्यू डी भुजा क्या है बराबर, पी ए बराबर क्या हो गया है क्यू डी, तो ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये कौन सा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है और उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर, ए पी क्यू डी क्या है समांतर, क्या लिखोगे ए पी क्यू डी समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं समूह भुजाएं क्या होती है आपके बराबर होती है, तीसरा कौन सा बराबर ये वाला कॉर्ड नंबर एक और ये हो गया कॉर्ड नंबर दो क्या है बराबर, कॉर्ड नंबर एक बराबर है कॉर्ड नंबर दो क्यों है बराबर, संगत कोण, जब रेखाएं समांतर हो ये रेखा काट रही हो तो यहाँ बनने वाले दोनों कोण, ये रेखा काट रही है ये दोनों कोण क्या होंगे आपके बराबर, ये हो जाएगा आपके संगत कोण, कोरस्पोंडिंग कहते हैं संगत कोण, तो नियम कौन सा लगा एस ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज पीई ए सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू एफ डी के, अगर सर्वांगसम है तो उनके अन्य भाग भी क्या होंगे बराबर, भुजाए बराबर कोण बराबर और क्षेत्रफल में भी क्या होंगे आपके बराबर, तो एरिया ऑफ पीई ए बराबर होगा एरिया ऑफ क्यू एफ डी के,